वाराणसी सर्किट हाउस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पंचायत चुनाव में हमने भागीदारी संकल्प अभियान चलाया है और एक मोर्चा बनाया है जिसमें 10 दल के लोग शामिल हैं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद्र प्रजापति और ओम प्रकाश राजभर समेत सभी दलों के कार्यकर्ता भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हुए, जिसमें एक पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी 9 पार्टियां उसके समर्थन में प्रचार प्रसार करेगी। वहीं यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये सरकार अपने काम में फेल है, यानी कि सरकार को उन्होंने विफल बता दिया। वहीं उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पैसे कमाने का काम करती है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। ये पंचायत चुनाव हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 10 दल के लोग हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू राम पाल, राम सागर बिंद, रामकण कश्यप, राजकुमार सैनी और ओम प्रकाश राजभर। हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। एक पार्टी चुनाव लड़ेगी और 9 पार्टी उसके समर्थन में रहेगी और उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये सरकार हर काम में फेल है। ये सरकार सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पड़ी है। मैं सत्ता में गया तब भी सरकार से कहा, सत्ता में नहीं था तब भी कहा, आज भी कहता हूँ कि जब बिहार में शराब बंद है, गुजरात बंद है, पांडिचेरी बंद है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद कर दो। अब ये शराब जो पी के लोग मर रहे हैं इसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है। नोएडा का SP बयान दिया न कि 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपया ले ले करके लोग जिले पे पोस्टिंग हो रही है। तो जब जिले पे SP लेके आएगा, 80 लाख दे के आएगा, तो वो SP जो है फिर यहाँ थाना बेचेगा। तो जब थाना बेचेगा तो थाने में जहरीली शराब नहीं बेचवाएगा तो क्या वहाँ अमृत बेचवाएगा, अवैध कारोबार करवाएगा? जब अवैध कारोबार होगा तो उसे पी के मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। इस सरकार से कोई मतलब नहीं है। जनता मरे, आम आदमी मरे, पत्रकार मरे, अधिकारी कर्मचारी मरे, उससे नहीं मतलब है।